गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आज ही या नहीं है तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आफ्टरनून के आई थिंक 3 o'clock हो चुके हैं। सुबह से बहुत ट्राई किया कि मैं सुबह से व्लॉग बनाऊँ बट मैं नहीं बना पाई, तो यही व्लॉग में मैं थोड़ी थोड़ी सुबह की क्लिप्स ज्वाइन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया है मेरे हस्बैंड का, हिया का और मेरा सबका फेवरेट वर्मेसली, जो स्वीट वर्मेसली होती है वो मैंने बनाई है यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको थोड़ा सा खाने के टाइम पे हम लोग वो कर लेंगे। तो आज हस्बैंड का बर्थडे था और आज ही इनकी फर्स्ट होली है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ मीठा तो डेफिनेटली बनना चाहिए ही। तो फिर मैंने सबका फेवरेट ये बनाया है यहाँ पे। सुबह बने थे थेपला, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, ब्रेड न्यूटेला, बहुत सारा कुछ मैंने बनाया था सुबह। तो अभी हिया का मैंने, हिया के लिए मैंने स्पेशली आज होली का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था जो उसने नहीं खाया है। मैंने ये कलरफुल इडलीज बनाई थी हिया के लिए जो काफ़ी क्यूट लग रही है। उत्तपम्स बनाए थे हस्बैंड के लिए मैंने, ये हार्ट शेप्ड फ्रूट्स कट किए थे जो सबको बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत इंजॉय किया ब्रेकफास्ट। मुझे पता था कि आज हम लोग साथ में शायद नहीं रह पाएंगे, पूरा दिन सब लोग अलग अलग रहेंगे, तो मैंने सुबह ही सोचा कि आज ब्रेकफास्ट ही अच्छे से कर लेते हैं। मुझे ये पिस्टल जॉयस की तरफ से हिया और हियन का होली आउटफिट रिसीव हुआ है जो ये लोग शाम को पहनने वाले हैं। हियान का फर्स्ट होली है तो हिया भी करने वाली है। अभी सारा घर क्लीन हो चुका है, मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है। हियान भी मालिश करके सो चुका है अभी, और मुझे बेडशीट चेंज करना बाकी है जो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं सुबह से कुछ खा नहीं पाई, सबके लिए मैंने कर तो दिया बट मैंने खाया नहीं कुछ। तो बस मैं अभी खाऊंगी अच्छे से, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा एसी वेसी चला के शांति से कोजी एटमॉस्फेयर करके मैं थोड़ा सा खा लूंगी। हिया तो जा चुकी है अपने नानी के घर पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा इजी रहता है अभी कि मैं कुछ करूं। और बस तो अभी मैं आप सबको मिलती हूँ शाम को। हिया के पापा, दादू, बड़े पापा सब ने मिल के जो स्वीट्स हमें बेचनी होती है, हमारे में से कोई मतलब लड़का आता है तो स्वीट्स बेचते हैं, लड़की आती है तो भी स्वीट्स बेचते हैं बट वो जलेबी बेचते हैं। तो अभी हिया के टाइम पे कोरोना था तो हम लोग नहीं कर पाए थे, तो बस हियान के टाइम पे हम लोग ने सोचा कि करते हैं, तो बस वही कर रहे आज। उसमें बिजी है पापा बहुत ही, तो मैं आपको दिखाऊंगी हिया और हियान का शाम को सारा कुछ रूटीन क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हियान का कैसे फंक्शन होता है, सब कुछ मैं दिखाऊंगी। और हिया वैसे नानी के घर पे जा चुकी है, बहुत ही इंजॉय कर रही है। मुझे भी फ़ोटोशूट और थोड़ी सी रील्स करनी है हिया की, अगर उसका मन हो तो, सिर्फ क्योंकि हिया को अभी ऐसा है कि मूड नहीं रहता है रील्स वगैरह का, तो मैं उसको शायद इन्वॉल्व नहीं करूँ बहुत इसमें। तो बस हिया और हियान दोनों का मैं आपको सारा कुछ फंक्शन दिखाऊंगी, बने रहिएगा व्लॉग में। तो अभी मैं थोड़ी पेट पूजा कर लेती हूँ पहले। हम लोग मिलेंगे, अभी 3 बजे है ना, तो हम लोग 5:30 को मैं मम्मी के घर पे चली जाऊंगी और वहीं से मैं रेडी दोनों बच्चों को करके निकलूंगी क्योंकि यहाँ मेरा घर बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो फिर हस्बैंड को लेने रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बस मैं हियान का सारा कुछ अभी रेडी कर लेती हूँ, हिया का भी आउटफिट्स वगैरह मैं रेडी करके रख लेती हूँ, और खाने के बाद मैं बस पैकिंग कर लूँगी अच्छे से, और तब तक मेरा टाइम हो जाएगा, हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। तो बस हम लोग मिलते हैं शाम को, और बने रहिएगा ब्लॉग में देखने के लिए कि हम लोग ने हियान का फर्स्ट होली कैसे सेलिब्रेट किया। तो ये है सुबह की क्लिप जो मैंने स्पेशल ब्रेकफास्ट हार्ट वाला और होली स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था।
मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मैंने मेरा फेवरेट कलर पहना है आज। हियान भी अभी सो रहा है, उसको मैंने रेडी थोड़ा सा कर ही दिया है ऑलरेडी जब मालिश वाले आंटी आए थे तभी। अभी उसको शाम का आउटफिट में उधर जाके चेंज करवाऊंगी। अभी हस्बैंड भी घर आ चुके हैं, हमने खाना खा लिया है, सब कुछ मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं मेरे इन लॉज के घर पे। यहाँ पे सब कुछ बंद करके फिर हम लोग उधर जा रहे हैं। मुझे थोड़ी रील्स वगैरह शूट करनी थी बट आई थिंक टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अभी हम लोग ऑन द वे हैं और पहुँच गए ऑलरेडी हम लोग मेरे ससुराल पे। तो अभी हियान थोड़ा सा दूध पी रहा है और फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। हिया और हियान दोनों सबके बहुत लाडले हैं, तो यहाँ पे बड़े पापा के साथ कुछ मस्ती हो रही है। यहाँ पे आज का मेन्यू सैलेड है, वॉटर के लिए जो यहाँ पे चिड़िया बनते हैं, तीन टाइप का सब्जी है, पूरी है और राइस है, फिर वही है जो गुजरात में बहुत फेमस है, कई मछली है, राइस है और गुजरात की दाल है। यहाँ पे मामे आ चुके हैं और सारे बाकी के गेस्ट और ये बुआ हियान को लेके चल रही है। और बुआ ने लास्ट टाइम तक हियान को बहुत संभाला था और हियान इज ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस विथ बुआ। तो यहाँ पे दूसरी सारी बुआएं आ चुकी है, 1 2 3 4 5 बहुत सारी आ चुकी थी और बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत ही इन्जॉय किया हमने। ये सबका ख़त्म हो उसके बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और ये मामा को बिठा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे महाराज भी आ चुके हैं और विधि विधान से सारा कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो ये वाली जो पूजा होती है वैसे मैं वेरी फर्स्ट टाइम कर रही थी, क्योंकि इसमें हमारे में ऐसा होता है कि लड़का आता है तो ऐसा पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स पीछे खड़े हो गए थे क्योंकि मेरी और मेरे भाई की और हियान की पूजा इम्पोर्टेंट मतलब करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और सबसे पहले हमको होलिका माता की पूजा करनी थी और उनकी जो मैंने बोला था ना कि प्रदक्षिणा घूमनी होती है, तो बस वही करना था। तो सारी जगह पे है ना मॉम्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर माँ नहीं होती तो कुछ नहीं होता है। अभी तो मैं मॉम ऑफ 2 हो गई हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है।
तो यहाँ पे सारी कुछ पूजा विधि विधान से मैंने शूट की है, तो आप इंजॉय कीजिए पूजा। और मेरा भाई वैसे बहुत शर्मा रहा था मेरे को ऐसे ऐसे देख के, बहुत ज़्यादा ही वो ऐसे हो रहा था कि अरे बाप रे ये क्या है सब कुछ। बट कोई नहीं, जो करना होता है वो तो करना ही होता है। तो फिर हमने सारी पूजा ख़त्म कर ली अच्छे से, तो आप ही देखिए कि पूजा सारी कैसे हुई है। सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे हियान और हिया दोनों के लिए, और सबने भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, सबने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर और यहाँ पे देखो सबने इतनी सारी होली खेली है कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे मेरी सास बहुत गुस्सा हो रही है। और यहाँ पे पापा का बर्थडे था तो सबने इतना अमेजिंगली सेलिब्रेट किया। हियान का फर्स्ट होली का भी केक करवाया था हमने और पापा का भी केक करवाया था। तो यहाँ पे हम लोग ने इतना अमेजिंगली फैमिली टाइम स्पेंड किया सबके साथ, और सबने भी हमारा फंक्शन इतना अमेजिंग बनाया कि सबको दिल से थैंक यू। तो मेरी सास ससुर ये मेरे जेठ जी जिनके साथ बहुत सारी मस्ती की, फिर मेरे हस्बैंड की बर्थडे उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत ही अमेजिंगली सेलिब्रेट की। वैसे हम लोग तो नहीं कर पाए थे उतना खास, बट या मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश थे क्योंकि आज ही उनका फर्स्ट होली सेलिब्रेशन था और उनका बर्थडे भी था तो उनके लिए तो वही था। तो यहाँ पे बहुत सारी केक्स लेके आए थे उनके फ्रेंड्स और बहुत सारे पटाखे जलाए थे टू मेक हिम फील स्पेशल। तो बहुत ही अमेजिंग रहा आज का दिन, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया फैमिली के साथ और फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो मिले थे आज और इतनी सारी बातें की, इतना इन्जॉयमेंट किया हिया और हियान दोनों को, इतना मज़ा आया। उसके बाद नानी के घर से आई हुई ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं और बहुत सारी स्वीट्स है वो सबको ऐसे बेचते हैं, तो हिया को तो वैसे भी अभी बज चुके हैं रात के 3 और हम लोगों ने ऑर्डर किया था चाइनीज़ फूड।
और आज का फंक्शन बहुत अच्छा रहा और हम लोग बस मतलब घर तो हम लोग कब के आ चुके हैं, इतना इंजॉय किया है हमने, इतना इंजॉय किया है। फिर हमने होली भी खेली साथ में और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और सबने फैमिली ने बहुत टाइम के बाद इंजॉय किया इतना सारा। तो बस अभी मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा भूख लगा था। मुझे वैसे भी ये पूरी वगैरह बहुत कम अच्छा लगता है, बहुत नींद आ रही है, बट हियान भी आज बहुत थोड़ा डिस्टर्ब था तो उसको भी सुलाया, उसको थोड़ा पैम्परिंग का ज़रूरत था तो बस वो सब कुछ हुआ। मैंने सब कुछ अच्छे अपनी जगह पे रखा और बस शांति से अभी बैठ के थोड़ी पेट पूजा कर रही हूँ। हिया उसकी नानी के घर पे ही रुकी हुई है क्योंकि मैं बहुत ही थक गई थी, तो मैंने मम्मा को बोला कि प्लीज़ इसको आज अपने पास रखो आप, और वो बोल रही थी मम्मा प्लीज़ जल्दी सुबह आ जाना। तो मेरी वैसे भी मेड नहीं आने वाली है तो बस मैं सुबह जल्दी उठ के फिर मम्मा के घर पे ही चली जाऊँगी, उधर ही चाय नाश्ता करेंगे और वो सब करेंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आपको ये व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा देखने का, सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है जितनी मेरे से हो सकी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।